Okay, let's go. Saga Sports Limited runs a sports equipment manufacturing business with year-end of 31st December 2022. Saga Sports Limited acquired a delivery truck at a cost of rupees 4.8 million on 1st April 2022. It has an estimated useful life of 8 years and residual value is expected to be nil. If the straight line method is used for depreciation, what will be the depreciation charge for the year ended 31st December 2022? तो सबसे पहले तो हम इसमें डेप्रिसिएशन का फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पे कॉस्ट हमें दी गई है 4.8 मिलियन, और स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो वो जीरो है, और यूजफुल लाइफ हमें दी गई है 8 ईयर्स। ये डेप्रिसिएशन का फार्मूला जो होता है ये 1 ईयर की डेप्रिसिएशन बताता है, लेकिन जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और ईयर एंड है दिसंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये बनते हैं 9 महीने। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9/12 से ताकि हमें वो 9 महीनों की डेप्रिसिएशन का पता लगे। तो आफ्टर दिस कैलकुलेशन वी विल गेट आवर आंसर 450,000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कंसीडर्ड एज एक्सपेंस एज इट्स इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसमें अल्फा ऑप्शन इज राइट, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। फाइंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन थर्ड ईयर ऑफ एन एसेट फ्रॉम यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। कॉस्ट ऑफ एसेट 25 मिलियन, रेजिडुअल वैल्यू 2 मिलियन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हैविंग रेट ऑफ 20%। आफ्टर 2 ईयर्स कंपनी शिफ्टेड इट्स मेथड टू स्ट्रेट लाइन विद रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू 3 मिलियन एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ एसेट है वो है 25 मिलियन, प्लस 2 ईयर्स के लिए उसने यूज़ किया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और आफ्टर 2 ईयर्स कंपनी शिफ्ट हो गई है स्ट्रेट लाइन मेथड पे। तो सबसे पहले तो हम प्लस 2 ईयर्स का मालूम करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, और फिर आफ्टर 2 ईयर्स यानी कि थर्ड ईयर की जो डेप्रिसिएशन होगी वो हम फाइंड करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। एंड सो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला लगाया जो कि होता है ग्रोस मल्टीप्लाई बाय रेट। तो फॉर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 25 मिलियन जो कि हमारी कॉस्ट थी, मल्टीप्लाई बाय 20% जो कि हमें रेट गिवन है। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन आ गई हमारे पास 5 मिलियन, 5 मिलियन डेप्रिशिएट हो गया है एक एसेट इन फर्स्ट ईयर। तो वो 25 मिलियन पहले था, 5 मिलियन डेप्रिशिएट हो गया, 25 - 5 मिलियन इज इक्वल टू 20 मिलियन, ये होगी उसकी रिमेनिंग वैल्यू, बुक वैल्यू फॉर सेकेंड ईयर। तो अब हम चलते हैं सेकेंड ईयर पे, सेकेंड ईयर में भी हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही लगाना है। तो सेकेंड ईयर में हमारे पास जो कॉस्ट थी वो थी 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 20% जो कि रेट है। तो सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई 4 मिलियन, 20 मिलियन - 4 मिलियन इज इक्वल टू 16 मिलियन, ये हो गई बुक वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू फॉर थर्ड ईयर। फर्स्ट 2 ईयर्स रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और आफ्टर 2 ईयर्स कंपनी शिफ्ट टूवर्ड्स स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अब जो थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन होगी वो स्ट्रेट लाइन मेथड से हम फाइंड करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। कॉस्ट हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची है आफ्टर 2 ईयर्स वो है 16 मिलियन - 3 मिलियन ओवर 6 जो कि यूजफुल लाइफ है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21,66,667। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ मोटर बाइक? तो ऑप्शन है हमारे पास व्हील, ब्रेक्स, रेंट, पेट्रोल। तो जारी सी बात है जो व्हील हैं, ब्रेक्स हैं और पेट्रोल है वो डायरेक्टली यूज होते हैं मोटर बाइक में, लेकिन जो रेंट है इसका कोई लेना देना नहीं है तो ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। तो सारी ऑप्शन इज राइट। अ कंपनी यूजेस द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टू डेप्रिशिएट इट्स फिक्स्ड एसेट्स, द एनुअल रेट इज 20%। After 3 years, the proportion of original cost still undepreciated will be। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमारे पास एक फिक्स एसेट है उस पर आपने रेट लगाना है 20% by reducing balance method, और बताना है कि 3 साल बाद जो आपकी depreciation हुई है जितनी भी हुई है उस सबको निकाल के उस जो फिक्स एसेट की बकाया कितनी वैल्यू बचती है, undepreciated वैल्यू कितनी बचती है, यानी कि जो 1st साल आपकी depreciation हुई, सेकेंड ईयर जो डेप्रिसिएशन हुई और जो थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन हुई
उन तीनों को प्लस करके आपने निकाल देना है कि अपनी कोर से कि कितना बचता है, और ये हमने बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है, वो हमें परसेंटेज में है, तो हम कंसीडर भी जो कोर्स को कंसीडर कर लेते हैं 100, ताकि आंसर निकालने में आसानी हो। सबसे पहले तो उसने बताया कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला लगाना है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू होती है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। सो फॉर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 20%। 100 हमारी कॉस्ट जो हमने कंसीडर की, लेट करनी है आप कोई भी कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 20, यानी कि पहले साल जो डेप्रिसिएशन हुई है वो 20 हुई है, कॉस्ट थी हमारी 100, उसमें से डेप्रिसिएट हो गया 20। तो सो फॉर सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 20%, डेप्रिसिएशन कितनी हुई 16। 80 माइनस 16 इज इक्वल टू 64, ये थर्ड ईयर के लिए आपकी रिमेनिंग वैल्यू हो जाएगी, इसको बुक वैल्यू भी कहते हैं। सो फॉर थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो थर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशन हुई वो हुई 12.8। 64 माइनस 12.8 इज इक्वल टू 51.2। 51.2 बचेंगे जो रिमेनिंग वैल्यू होगी नेक्स्ट ईयर के। तो हमने यही बताना था ना कि 2-3 साल बाद रिमेनिंग वैल्यू क्या होगी, वो होगी 51.2। तो ये 51.2 100 का कितना है, 100 का 51.2% है ना, तो वही हमारे पास आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। तो ऑप्शंस है हमारे पास, परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज, रिफंडेबल सेल टैक्स, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट। तो इसमें चार्ली ऑप्शन इज राइट, रिफंडेबल सेल टैक्स। जो रिफंडेबल टैक्स हैं इसका मतलब नाम से जाहिर है कि वो हमें वापस मिल जाएंगे। तो परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज और इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, ये कंपोनेंट है कॉस्ट के। कॉस्ट ऑफ एन एसेट का मतलब है कि एसेट जो हम लेके आए हैं उसको वर्किंग में लाने में कॉस्ट, कॉस्ट यानी कि एक्सपेंस आपका कितना लगा है वो बताना है। तो जो परचेस किया है जितने पे, वो तो उसका एक्सपेंस है। इम्पोर्ट ड्यूटीज जो लगी हैं वो भी आपका एक्सपेंस है। और इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट जो हुई है कि अगर आप असेंबली कॉस्ट कहते हैं कि आप अगर अपने एसेट को लेके आए थे इन कंपोनेंट्स, इन पार्ट्स, तो उनको कंबाइन करने में जो कॉस्ट आई है ना उसको कहते हैं असेंबली कॉस्ट। वो भी आपके एसेट के एक्सपेंस में आएगी कि कॉस्ट ऑफ एसेट में ही आएगी। लेकिन जो रिफंडेबल सेल टैक्स होते हैं ना वो नहीं आएंगे। तो चार्ली ऑप्शन इज राइट। एन एंटिटी इंपोर्टेड अ कंप्यूटर सर्वर मशीन हैविंग परचेज प्राइस ऑफ रुपीज 8.5 मिलियन। द एंटिटी फर्दर इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट, इंपोर्ट ड्यूटीज 8%, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस 5% परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज। एक्सक्लूडिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज का मतलब है कि आपने जो परचेज प्राइस को ही कंसिडर करना है, इम्पोर्ट ड्यूटीज को निकाल देना है उसके बिना। रिफंडेबल टैक्सेस 10% ऑफ परचेज प्राइस प्लस इम्पोर्ट ड्यूटीज। इंश्योरेंस इन ट्रांसिट 240,000। तो इंश्योरेंस इन ट्रांसिट का मतलब होता है कि आपने एसेट कहीं से मंगवाया है, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जो इंश्योरेंस करवाते हैं उसको इंश्योरेंस इन ट्रांसिट कहते हैं, तो वो है 240K। कैरिज इनवर्ड 450,000। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इसमें सिर्फ जो है ना रिफंडेबल टैक्सेस उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो इसमें उसने पूछा है कि द सर्वर मस्ट बी कैपिटलाइज्ड एट। तो हमने बताना है कि वो जो सर्वर यानी कि जो उसको मशीन है ना उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कितना, कितनी कॉस्ट लगी है। सबसे पहले तो उसकी परचेज प्राइस 8.5 मिलियन, ओके। इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं 8% ऑफ 8.5 मिलियन। 8.5 मिलियन हमारी परचेज प्राइस थी, उस पर है ना इम्पोर्ट ड्यूटीज लगी हैं, तो वो है 0.68 मिलियन। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस 5% ऑफ 8.5 मिलियन, वो आ गया 0.425 मिलियन। इंश्योरेंस इन ट्रांसिट है 0.24 मिलियन। 240K था वो, होता है मिलियन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है 0.24 मिलियन। कैरिज इनवर्ड वो था 450K, तो उसको मिलियन में कन्वर्ट किया तो 0.45 मिलियन आ गया। तो कैपिटलाइज्ड एट आ जाएगा, इन सब को प्लस करना है, जो उसकी कॉस्ट होगी वो है 10.295 मिलियन। तो आज के लिए था बस इतना ही। एज यू नो कि कैप की क्लासेस स्टार्ट हो गई है तो लिटरली टाइम नहीं लगा, अभी भी ये वीकेंड आया है तो मैंने थोड़ी एडिटिंग कर ली है, 8 से 10 क्वेश्चन सोल्व हो गए।
12 विल ट्राई कि मेरा और टाइम लगे तो 8 से 10 एमसीक्यूज और बना लूँ और डेप्रिसिएशन का चैप्टर को 5 से 6 आवर्स में कंप्लीट कर, यानी कि डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर के टोटल एमसीक्यूज है 60 टू 70, तो उस पे मैं वीडियो बनाऊँ तो वो वीडियो तकरीबन 1 घंटे की बनेगी, और वो 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए मुझे तकरीबन कोई 2 दिन लगाने पड़ेंगे, जो एडिटिंग होती है, जो उनको सॉल्व करके बाद में उनके लिए अलग से अलग टेम्पलेट बनाने होते हैं, तो रियली सॉरी। और प्लीज़ यार मेरे लिए भी दुआ करना कि इंशाल्लाह मेरा भी कैप जल्दी से क्लियर हो जाए।